सेशन कोर्ट ने कथित रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक गणेश नाइक की जमानत याचिका पर आज दोबारा सुनवाई की। न्यायाधीश वीवाई जाधव की एकल बेंच के सामने हुई इस सुनवाई में पीड़ित और प्रतिपक्ष के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। हालांकि अदालत ने अंतिम फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया, यानी गणेश नाइक को जमानत के लिए अभी एक दिन और इंतजार करना होगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक के खिलाफ आज थाने सत्र न्यायालय ने कथित रेप केस में दोबारा सुनवाई की। दीपा चौहान नामक महिला की एफआईआर के चलते गणेश नाइक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आज इस मामले में न्यायाधीश वीवाई जाधव की एकल बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीड़ित पक्ष की वकील एडवोकेट लूसी मैसी ने जहां नाइक की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर सवाल उठाया, वहीं प्रतिपक्ष के वकील ने लिव इन रिलेशन का मामला बताते हुए जमानत देने की अपील की। हालांकि जज जाधव ने अंतिम फैसला नहीं दिया और उसे गुरुवार 28 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया, यानी बीजेपी विधायक गणेश नाइक को जमानत के लिए एक दिन और इंतजार करना होगा। समोरून एक इन्स्ट्रक्शन झाली आहेत की ते DNA साठी रेडी आहेत। ओके, सो दॅट इज समथिंग जे आम्ही जाणार होतो ते स्वतःहून पुढे येत आहेत की पब्लिक ही अवी कम अँड त्यांनी काय फुल FIR रीड केलेली आहे आणि त्यांचा युक्तिवाद ऍक्च्युली लिमिटेड होता आणि आपण फक्त आणि फक्त युक्तिवाद केलेला। वी हॅव गॉन टू द पॉईंट, वी हॅव गॉन टू द सायटेशन, वी हॅव गॉन टू द लॉ। तर आम्हाला जे ठेवायचं होतं कोर्टासमोर आम्ही ठेवलेलं आहे आणि जास्त वेळ नसणार हे लक्षात ठेवून मी ऑलरेडी रिटर्न आर्ग्युमेंट प्रिपेअर केलेले आणि ते मी फाईल देखील केलेले आहे। बस कोर्ट के बारे में तो आपने निर्णय आपको बता दिया है। मैं आज न्याय मांगने इधर आई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। धमकी मुझे आई है अपनी बड़ी बहन के माध्यम से। वो अपने हमारे फ्रेंड सर्कल में सबको फोन करके बोल जा रहा है कि इसे सपोर्ट मत करो, और उसके लिए मैंने वाशी पुलिस स्टेशन में एनसी किए, वो लोग उसकी कर रहे हैं। बताना जरूरी है कि बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज इस मामले से राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि शिकायतकर्ता दीपा चौहान की नियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद गणेश नाइक की इज्जत दांव पर लगी है। बताना जरूरी है कि यदि सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो गणेश नाइक को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।